Welcome back to my channel. In the previous videos, we already completed chapter number 1 and chapter number 2. Now from this video onwards, we are going to start with chapter number 3. This chapter is very important and it is also very technical, students. So here you need to pay maximum attention. Though this chapter is technical, but it is also very interesting. So let's begin. Students, the name of this chapter is Applied History. When I'm talking about applied history, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, I'm talking about application of history. History को आप real life में कैसे apply करोगे? That is applied history. Yes? So, applied history is sometimes known as public history. In modern times, public history और applied history, ये दोनों interchangeably used किया जाता है बार-बार. जब applied history बोलते हैं, तो बहुत बार public history word use कर लेते हैं. तो बहुत लोग को लगता है कि it is one and the same. It is not exact same, but it is similar. टेक्सटबुक में दिया है अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सेम टू सेम है. नहीं, अप्लाइड हिस्ट्री दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, एंड पब्लिक हिस्ट्री इज लिटिल बिट ब्रॉडर कंसेप्ट, थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है. ठीक है, समझ में आया. अब यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे. मैंने यहाँ पे कंसाइज पॉइंट लिखा है अबाउट अप्लाइड हिस्ट्री एंड अबाउट पब्लिक हिस्ट्री. ये कंसाइज पॉइंट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर्स इन योर एग्जाम्स. ठीक है, ये सब कंसाइज पॉइंट्स को आपको इलाबोरेट करना है एग्जाम में. ठीक है, सो ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नोट इट डाउन. सो लेट्स बिगिन. अप्लाइड हिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम्स. इट मींस जब आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज है, तो यू कैन यूज दैट नॉलेज टू आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम्स, कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है. यस, और ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद यू कैन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द प्रेजेंट टाइम्स एज वेल एज इन द फ्यूचर टाइम्स. Clear, understood. Second point में ये बोला, it helps to find the solutions for social issues. आप सोचो कि सर कैसे solution कैसे समझ में आ रहा है? See, answer is very simple. Whatever problem is there, we need to identify the main cause. And जब भी हम cause को identify करते हैं, तो बहुत बार historical factors भी matter करता है. तो ऐसे में knowledge of history काम में आएगा. Clear, understood. It creates opportunities for the people in various fields such as tourism industry, libraries, museum, etc. Dear students, in many countries of the world, tourism sector is very important. And tourism में आप देखोगे कि historical knowledge होना is very important. तो ही तो tourist लोग को curiosity होगा इस place के बारे में जानने के लिए. Yes or no? Clear. Not only that, museum में, library में, इन सब जगह पे हिस्ट्री का एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज का क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है, तभी आप टूरिस्ट को समझा सकते हो. क्लियर, समझ में आया? ओके. द नेक्स्ट इज, एक्सपर्ट्स इन दिस कैन इनिशिएट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन देयर ओन टाउन्स एंड सिटीज. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हिस्टोरिकल नॉलेज है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि हर एक मॉन्यूमेंट्स का क्या वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो हमारे हेरिटेज है, इसलिए बहुत सारे वॉलंटियर्स जिनको नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है, दे कैन यू नो स्टार्ट देयर ओन प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इन देयर ओन टाउन्स एंड सिटीज. जैसे कि हेरिटेज मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, ये सब वो खुद वॉलंटियर कर सकते हैं. क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? Okay, so this was about application of history. Now let us understand public history क्या है. Students, public history is a separate branch जो historical knowledge provide करता है. बहुत सारे historical knowledge provide करता है उसमें. इतना ही नहीं, public history की मदद से हम जो भी misconceptions है regarding history वो दूर कर देते हैं. कैसे? देखो, public history है ना, एक course है. course अभी बहुत लोगों को, जिनको लगता है कि history क्यों पढ़ते हैं हम लोग, किस काम का, वो जिसको हिस्ट्री टीचर बनना है या जिसको हिस्टोरिकल में अपना करियर सेटअप करना है वही करेगा. यस, डे टू डे बिजनेस में और डे टू डे दूसरे फील्ड में हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है. तो ऐसे सब मिसगिविंग्स को ये पब्लिक हिस्ट्री के कोर्सेज क्लियर आउट कर देते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पब्लिक हिस्ट्री के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लेट्स सी द मेन पॉइंट्स. पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री. यस, जैसे अभी मैंने बोला, बहुत लोग को मिसकंसेप्शन होता है कि पब्लिक हिस्ट्री या हिस्ट्री का नॉलेज सबके लिए नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए. मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी फील्ड में जाओ, यस, ईच फील्ड हैज अ सेपरेट हिस्ट्री, एंड हियर कम्स द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. समझ में आया? क्लियर. मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री. यस,
बहुत लोगों को लगता है कि हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री को नैरो पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हिस्ट्री को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, ब्रॉडर अप्रोच से लेकर देखना पड़ेगा। देखो कोई भी फील्ड ले लो, ठीक है, साइंस, मैथ्स, कोई भी फील्ड ले लो, हर फील्ड में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हिस्ट्री होता है, एक बेस होता है कि ये फॉर्मूला कैसे सेट हुआ, ये थियोरी कैसे सेट हुआ, ये सब। अब इन सबको जानने के लिए आपको किधर जाना है, ऑब्वियसली हिस्ट्री में। सो हेंस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और पब्लिक हिस्ट्री ऐसा ही नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्लियर? देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज अब्रॉड प्रोवाइडिंग कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री, और इंडिया में भी है। देखो सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी विच इज एट बैंगलोर एग्जैक्टली इन कर्नाटका, ये इंस्टीट्यूट भी वेरियस क्रिएटिव कोर्सेज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग पब्लिक हिस्ट्री। और स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, सेपरेट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वहां पे जो पब्लिक हिस्ट्री का नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो कंक्लूडिंग, अप्लाइड हिस्ट्री इज ओनली अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द हिस्ट्री, बट पब्लिक हिस्ट्री इज ओवरऑल हिस्ट्री। यस, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ द हिस्ट्री। क्लियर? समझना आया? ओके, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अप्लाइड हिस्ट्री, तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो येलो बॉक्स वाला आंसर लिखे कि ऊपर वाला। आंसर इज वेरी सिंपल, अप्लाइड हिस्ट्री पूछा है ना तो ऊपर वाला आंसर लिखना है, या फिर आप इन पॉइंट्स की मदद ले सकते हो, ठीक है। और पब्लिक हिस्ट्री मेंशन किया स्पेशली, तो यू नीड टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स व्हिच इज गिवन इन द येलो बॉक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्लियर? अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया था और 3.1 कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन वेरियस अदर फील्ड्स। अभी फील्ड्स लाइक फिलोसॉफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ऑल दीज फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री। सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट फील्ड, अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी उस फील्ड का। यस, इसीलिए हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से फील्ड में एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री कैसे यूज होता है। लेट्स बिगिन विथ फिलोसॉफी। पहले ये समझते हैं कि फिलोसॉफी क्या। स्टूडेंट्स फिलोसॉफी का मतलब होता है डीप थिंकिंग। यस, इनिशियल लेवल पे जितने भी आइडियाज थे वो फिलोसॉफी से ही स्टार्ट होता था, वो सोच से ही स्टार्ट होता था। फिलोसॉफी को मैं अगर और अच्छे से डिफाइन करूं तो वट एवर आइडियाज विच हैव नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बट यस इट इज अ आइडिया, इट इज अ थियोरी। यस, वो डीप थिंकिंग से वो थियोरी बना, उसको हम फिलोसॉफी बोलेंगे। तो आज के तारीख में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, वेदर इट इज ज्योग्राफी, जियोलॉजी, साइंस एक्सेट्रा, ईच फील्ड हैज इट्स बिगिनिंग फ्रॉम फिलोसॉफी। यानी कोई ना कोई फील्ड में कोई ना कोई थिंकर आता है, वो सोचता है एंड वो थियरी बन जाता है। समझ में? कार्ल मार्क्स जिन्होंने क्लास थियरी निकाला था वो भी थिंकर बन गए, इसलिए उनको भी फिलोसोफर बोला जाता है। महात्मा गांधी, सत्याग्रह का आइडिया, यस फिलोसॉफी। सो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनके आइडियाज ने बहुत ज्यादा चेंजेस भी लाए हैं और नया कंसेप्ट को बनाया भी है। ऐसे थिंकर्स को फिलोसोफर्स भी बोलते हैं। तो आज के तारीख में तुम जितने भी फील्ड ले लोगे सबका शुरुआत फिलोसॉफी से ही हुआ है। क्लियर? अब फिलोसॉफी में हिस्ट्री कैसे काम आता है? सी, हिस्ट्री की मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ आइडियाज। फॉर एग्जांपल क्लास थियरी, अभी हम क्लास थियरी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आइडिया किसका है, ये फिलोसॉफी किसका है, तो हम हिस्ट्री में ही जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसको तो कार्ल मार्क्स ने बनाया है। यस और नो? फिर अभी ये जो सत्याग्रह का आइडिया है, यस, तो अगर हम ढूंढेंगे कि इतिहास में सत्याग्रह का आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ है, किसने यूज किया, तो फिर हम पहुंचेंगे हिस्ट्री में और हिस्ट्री की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे ये सब चीजें। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी आइडिया के ओरिजिन को समझना है तो हमें हिस्ट्री की मदद लेनी पड़ेगी। क्लियर? उसी आइडिया के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस भी हम समझ सकते हैं हिस्ट्री की मदद से। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस का मतलब क्या? कि वो आइडिया आगे कैसे फॉलो किया गया। यस, वो इंटेलेक्चुअल आगे कैसे फॉलो किया गया। क्लियर? उसी को इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फिलोसॉफी नीड्स अ मीडियम। सी, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग समथिंग, कोई तो मीडियम चाहिए। या तो आप इंग्लिश में अपने आप से बात करोगे, इंग्लिश में सोचोगे, या कोई दूसरे लैंग्वेज में। यस, सो फिलोसॉफी नीड्स अ मीडियम, दैट इज लैंग्वेज। एंड अगर आपको लैंग्वेज के बारे में भी बहुत पता है, यस, तो इट इज ऑल्सो यूजफुल। इसीलिए लास्ट में दिया है कि देयरफॉर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो यूजफुल।
क्लियर. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन वेरियस फील्ड्स. तो अभी हमने फिलोसॉफी देखा, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा फील्ड देखेंगे. क्लियर, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड दैट हाउ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन फिलोसॉफी. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट हाउ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन साइंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन साइंस इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज. वर्ल्ड में जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए हैं, अगर उसके क्रोनोलॉजी को पता लगाना है, यानी टाइम लाइन यानी ऑर्डर, तो आप ऑब्वियसली हिस्ट्री की मदद लोगे. यू विल यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, यू विल अरेंज ऑल द डिस्कवरीज इन अ टाइमली ऑर्डर. ओके, टाइमली ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, ईयर वाइज, एक्सेट्रा, जो भी है. सो ऐसे आप कर सकते हो. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. कौन सा इन्वेंशन या कौन सा डिस्कवरी कौन से कारण से हुआ है और उसका नतीजा क्या निकला, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. ये भी हमें नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से पता चलता है. अगर आप हिस्ट्री की मदद से बहुत सारे डिस्कवरीज को एनालाइज करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड मेनी डिस्कवरीज वर बिकॉज ऑफ द नीड. यस, नीड इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशंस बिकॉज इट लेड टू मेनी इन्वेंशंस. फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड में बहुत सारी डेंजरस वायरस आए, HIV, इबोला, जेका. यस, अभी ये सब वायरस आया तो हमारा नीड क्या हो गया, यस, टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन. और बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे, फॉर्मूला क्रिएट किया, एंड देन मेडिसिन बने. यस और नो, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ नीड लेड टू इन्वेंशन और डिस्कवरीज. क्लियर. क्यूरियोसिटी ऑल्सो लेड टू मेनी इन्वेंशंस. एक अच्छा एग्जाम्पल दू तो ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हैं. जैसे कि न्यूटन वॉज क्यूरियस कि ये एप्पल ऐसे गिरा क्यों, इसका क्या कॉज होगा. यस, फिर उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थियोरी क्रिएट किया, एंड देन इट लेड टू अ ग्रेट डिस्कवरी इन द वर्ल्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और क्या डिटेल्स हो सकते हैं, ये भी हमें इतिहास से पता चलता है. अभी इफ यू थिंक कि सर कैसे, तो ध्यान से सोचो कि साइंस ले लो या कोई भी फील्ड ले लो, अगर आपको उस फील्ड के बारे में जानना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स बैकग्राउंड एंड इट्स पास्ट. सिमिलरली, अगर साइंस में आप कोई भी चीज समझने की कोशिश करोगे, आप किधर जाओगे, ऑब्वियसली आप हिस्ट्री में जाओगे, एंड देन पर्टिकुलर डिटेल्स निकालोगे. क्लियर, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरे फील्ड के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, दैट इज टेक्नोलॉजी. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. ओके, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज technology. When I'm talking about technology, what do you mean? It means that what kind of tools you are using. Okay. So agriculture production में जो tools पहले use होता था और जो अभी होता है, बहुत difference है. और ये हमें कब समझेगा, जब हम history के पास जाकर देखेंगे कि कैसे पहले था technology और कैसे अब है. Yes, not only that, we will also understand about the commodity production. कि पहले कैसे गुड्स बनाया जाता था. कमोडिटी मीन्स गुड्स, जो भी गुड्स है, पहले कैसे बनाया जाता था और अभी कैसे बनता है. यस, अभी मास प्रोडक्शन होता है, पहले इतना नहीं होता था, अभी तो बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन होता रहता है बिकॉज ऑफ मशीन्स. आर्किटेक्चर, पहले कैसे चीजें डिजाइन की जाती थी और आज कैसे डिजाइन की जाती है, दैट इज आर्किटेक्चर. एंड पहले कैसे मशीन्स बनते थे एंड आज कैसे मशीन्स बनते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट टेल्स अस दैट फ्रॉम स्टोन टूल्स टू मॉडर्न टाइम्स वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्टोन टूल्स एंड टुडेज टूल्स. ओके, जब हम हिस्ट्री के पास जाकर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मॉडर्न मैकेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड वन थिंग, साइंस एंड टेक के बीच में हमेशा म्यूचुअल डिपेंडेंस रहता है. म्यूचुअल डिपेंडेंस मीन्स एक ग्रो होता है तो दूसरा भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है.
Clear. And not only that, because of science and technology, today's modern mechanization is impacted. यानी इसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है. मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न मशीन्स, ह्यूज मशीन्स, वेरियस मशीन्स. तो बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक मैकेनाइजेशन ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव. तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. नॉट ओनली दैट, वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. स्टूडेंट्स, इन द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड वी कैन अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. क्लियर? How stone tools were used at that time and how gradually from stone tools they started using metals. Yes, after the usage of metals they resorted to artificial intelligence and again various alloys etc etc etc. Bahut hi historical development hai. Yes or no? Okay, thank you so much. Next point hum dekhenge iske baad ke video mein.